दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर सर्वे जारी है। बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी। मंगलवार दोपहर 12 बजे से आयकर सर्वे में जुटे। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स सर्वे जारी है। बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। बता दें चलें कि बीबीसी की दिल्ली और मुंबई से दफ्तर में 14 और 15 फरवरी की रात तक आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। राजन मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर सर्वे जारी रहा 14 और 15 तारीख को, इसके बाद क्या आज भी टीम जो है सर्वे के लिए जा सकती है? पूरी जानकारी बताएं। बिल्कुल, देखिए पिछले दो दिनों से जिस तरीके से बीबीसी की जो इनकम टैक्स की जो टीम है, करीब करीब एक दर्जन की टीम बांद्रा के बीकेसी में जहाँ पे उनका दफ्तर है वहां पर ये कार्रवाई हुई। और अब ये जानकारी मिल रही थी कि जो उनके जो ऑफिशियली जो अधिकारी थे वो तो कुछ कैमरे पर आके नहीं कह रहे थे, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने कुछ जो है दस्तावेज जमा किए और वो दस्तावेज वो अपने अधिकारी को देंगे और उसके बाद जो है अगर उन्हें कुछ लगा कि अब जांच करनी चाहिए तो एक बड़े जो लेवल पर वो जांच भी होगी। और आपको बता दें कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन करने से इनकार किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो दायर याचिका में भारत ने बीबीसी के काम करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो पिछले जो शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदेश की बेंच ने ये बकायदा कहा भी था कि कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता और याचिकाकर्ता ने यहाँ तक कहा था कि एनआईए की जांच की मांग की थी। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी कल जो दस्तावेज है वो वहां से जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो लेकर गई है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। राजन, तो सर्वे टीम ने कोई कुछ बयान दिया है किसी ने? और बिल्कुल, देखिए ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन ये कहा गया है कि उनके अधिकारियों की तरफ से कि हम यहाँ से कुछ दस्तावेज लेकर जा रहे हैं, हम ये जो दस्तावेज है अपने जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे हम ये जमा करेंगे और उसके बाद अगर हमें लगा कि इसमें कुछ पेंडिंग रह गया तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और जाँच करेंगे। और राजन, इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है? और बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब पहले ही दिन इनकम टैक्स की जो टीम है वो जब मुंबई और दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने जो है सर्वे चालू किया, उसके बाद से ही कांग्रेस के नेता ये लगातार कहने लगे कि हम तो जेपीसी की मांग कर रहे थे, यहाँ पर लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट करने का कोशिश किया गया। और बीजेपी लगातार ऐसा करती है, कभी कभी वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसका गलत उपयोग कर रही है, ये लगातार कांग्रेस के नेताओं का कहना है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि ये जो रूटीन है सर्वे ये चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा जो है जो बहुत बड़ा ये नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें से जो है वो कोई बड़े लेवल पे छापेमारी नहीं चल रही है, एक सर्वे चल रहा है, ये रूटीन सर्वे होता है और ये हमेशा के लिए होता है और वो इनकम टैक्स की जो टीम है वो अपना काम कर रही है। राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।